नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो चलाया था, जो वीडियो वायरल बताया जा रहा था, और उस वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि जम्मू के विजयपुर से एक ट्रक ड्राइवर जो गुरजीत सिंह, वो त्रिपुरा बॉर्डर पर जो हैं काफ़ी मुसीबत में फंस गए हैं, और पिछले कुछ 2 महीने से वो वहीं पर हैं, उनका ट्रक वहीं पर है। और आपको बता दें कि गुरजीत सिंह जो हैं उस ट्रक के मालिक भी हैं, और वो वीडियो में गुहार लगाते नज़र आ रहे थे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत इसलिए आन पड़ी है मेरे ऊपर कि एक ईवे बिल को लेकर काफ़ी जो है समस्या उनको आ रही थी। जो ईवे बिल था, क्योंकि जो ईवे बिल होता है, जिस ट्रांसपोर्ट का आप माल लेकर जाते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है उस ईवे बिल को जो है ऑनलाइन भरवाना, उसको जो है ऑनलाइन करवाना, ताकि आपको रास्ते में जो डिपार्टमेंट होता है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो है, वो आपको जो है उससे आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब उन्होंने उनको इस तरह से डिपार्टमेंट ने पकड़ा, तो फिर उनका ईवे बिल जो था वो कुछ घंटे पहले ही समाप्त हो चुका था, और कंपनी की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट थी, जिन्होंने माल लेना था, उन्होंने वो जो मटेरियल था उसका ईवे बिल 4 या 5 घंटे बाद उन्होंने वो बिल भरा। हालांकि इस वक्त हमारे साथ गुरजीत सिंह फोन लाइन पर हैं, हमने पूरा खंगाला और हमारे पास गुरजीत सिंह का नंबर आया। 2 दिन से हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे नेताओं की क्या हालत है। नेताओं की हालत ये है कि हमने कई ऐसे बड़े बड़े नेताओं से, जो खुद को बहुत बड़ा नेता कहते हैं, उनसे बात की, उनको ये मसला समझाया, लेकिन किसी भी नेता ने इस पर हामी नहीं भरी कि वो त्रिपुरा में जो है उस वहाँ की जो सरकार है असम की, उनसे वो बात करें, उनसे इनके लिए वहाँ पर इनको कोई राहत दिलवाई जाए, इनको वहाँ से मुक्त करवाया जाए, वहाँ से छुड़वाया जाए, ऐसा किसी ने नहीं समझा। अब आखिरी उम्मीद जो है गुरजीत सिंह जी का, हमें कल भी कॉल आया, आज भी हमने जब उनको फ़ोन किया, तो अब इनको आखिरी उम्मीद जो लग रही है वो लग रही है PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्योंकि उनको का कहना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त PMO में हैं, और उनका एक रुतबा भी उस तरह का है, और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी पब्लिक को ज़रूरत होती है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह कई ऐसे मसलों में इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है, फिर वो इन्वॉल्व जो है खुद को करते हैं, तो कई मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। तो ऐसे में अब गुरजीत सिंह जो हैं वो भी गुहार लगा रहे हैं। पहले पूरा मामला एक बार फिर से गुरजीत सिंह से हम जानेंगे। गुरजीत जी, स्वागत है आपका। हालांकि इस वक्त मैं क्या कहूं आपको, आप पिछले 2-3 महीनों से मुसीबत में फंसे हुए हैं और मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पहले आपसे यही पूछूंगा गुरजीत जी कि थोड़ा सा पहले ना बता दीजिए फिर से एक बार मामला, जो आपने जैसे वीडियो में बताया था कि आपके साथ हुआ क्या, और कब से ये मामला जो है आप इसमें फंसे हुए हैं। सर, ये मैं ट्रक ड्राइवर, मेरा खुद का अपना गाड़ी है। हाँ। तो सर, मैं गुवाहाटी से, जो कि असम में पड़ता है गुवाहाटी, वहां से मैं अगरतला के लिए लोड करके चला था। तो रास्ते में गाड़ी किसी वजह, कारणों की वजह से लेट होने के कारण, या रास्ते में जाम भी होता है क्योंकि सारा रास्ता हिल का है, तो हिल में स्लाइडिंग वगैरह या प्रॉब्लम हो और चलती रहती, आम बात है। तो रास्ते में, तो गाड़ी लेट होने की टाइम की वजह से मेरा ईवी बिल, जो कि ट्रांसपोर्टर वगैरह इन्वॉइस में देते हैं जी, तो इसकी कुछ समय निर्धारित करते हैं, उस समय के अंदर थोड़ा मेरा समय खत्म होने वाला था। तो मैं त्रिपुरा बॉर्डर, चुराई बड़ी बॉर्डर पड़ता है त्रिपुरा का जी, इसमें अगर मैं गाड़ी मैंने स्टॉप किया तो यहाँ पर भी जाम, काफी घंटों से जाम लगा हुआ था, तो हम भी जाम में आराम से चल रहे थे लाइन में। तो यहाँ पर जब मेरा टाइम खत्म होने लगा, तो मैंने ईवे बिल की डेट मैंने देखी, तो मैंने देखा 1-1.5 घंटे के करीब टाइम रह गया था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं चलता रहा तो ऐसे तो मेरा कहीं मेरे किसी सेल टैक्स वाले, किसी ऑफिसर ने मेरा गाड़ी पकड़ लेना, और तो मैं कानून से बाहर हो जाऊंगा, इससे बढ़िया मैंने गाड़ी साइड में लगा दी। ठीक है। तो सर, गाड़ी साइड लगाने के बाद मैंने जैसे ही आगे चलना, मैंने ट्रांसपोर्टर से कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने मेरा कोई मैसेज जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने मेरा 2 दिन से कॉन्टेक्ट मेरे साथ किया था। ठीक है। तो मेरा, मैंने उनको टेस्ट मैसेज लिख कर कि भैया ईवे बिल लेट होने वाला, तो आप प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे कि ईवे बिल का डेट आप बढ़ा दीजिए और अपना मेरे को नया ईवे बिल बना के दे, और मैं आगे जा सकूं, मैं फिलहाल गाड़ी साइड में लगा रहा हूँ।
क्योंकि सर ईवे बिल में खत्म होने के टाइम गाड़ी को चलाना अपराध माना जाता है। जी जी जी। तो मैंने इसको मानते हुए गाड़ी साइड में खत्म होने से पहले ही, एक घंटा पहले हमने साइड में लगा दी। तो सर उन्होंने मेरा सुबह मैसेज पढ़ने के बाद मुझे कॉल किया और कहते कोई बात नहीं सरदार जी, आपको ईवे बिल मिल जाएगा। जी। तो उन्होंने मुझको 2-3 घंटे में, यानी कि सुबह 8-9 बजे के करीब में कॉल आई और 12 बजे के करीब मुझे ईवे बिल दे दिया। मिल गया जी। मिल नया ईवे बिल अपडेट करके मुझे दे दिया और मैं जैसे ही चल पड़ा आगे, और आगे सेलटेक्स गेट पड़ता है जिसका नाम है चुराई बड़ी त्रिपुरा के अंदर पड़ता है। जी। तो जैसे ही हमने एंटर किया, एमबीए कराया, कोरोना टेस्ट होता है यहाँ वगैरह वगैरह करवा कर, हम करीब 1:15 बजे के करीब सेलटेक्स गेट के अंदर एंट्री करवाई और उनको डॉक्यूमेंट्स अपने चेकिंग के लिए दिए। और इन्होंने बोला कि सर आपके इनवॉइस रिलेटिव प्रॉब्लम्स है, आप गाड़ी साइड में लगा दीजिए। ठीक है। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाने के बाद मेरे को मैंने बोला सर मेरे को बताइए आप क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने मेरे से आरसी लाइसेंस वगैरह पूछा, मैंने अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट सारे चेक करवाए, बिल्कुल ओके थे, कोई प्रॉब्लम थी, लाइसेंस भी ओके है। तो इन्होंने मेरे को, मैंने सर पूछा इनसे, तो इन्होंने मेरे को बोला सर जी आपका जो सरदार जी ईवे बिल में प्रॉब्लम है, मैं सर ईवे बिल तो मैंने नया बनवाया। कहते नहीं आपने लेट बनवाया, ये 8 घंटे पहले बनना चाहिए। मतलब वो 8 घंटे पहले खत्म हो चुका था, उसी वक्त वो एक्सटेंशन होनी थी। हाँ जी, जो खत्म होने की डेट होती है, टाइम होता है, उससे पहले 8 घंटे मिनिमम, कम से कम मैक्सिमम 8 घंटे पहले ये ट्रांसपोर्टर और अपना जिसका माल होता है उसकी जिम्मेवारी होती है। जी जी जी। आम ड्राइवर को नहीं मालूम, क्योंकि ड्राइवर एक किस्म का हमारा जो स्टाफ है 90% अनपढ़ माना जाता है। जी। ट्रक ड्राइवर इस लाइन में, और इन लोगों ने इस चीज का, हमें सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स से, डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेवारी होती है कि ट्रक के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो बिल वगैरह जो ये देते हैं हम लेकर चल पड़ते हैं, हमको क्या मालूम है इसमें कोई डुप्लीकेट है या इसमें क्या चीज खत्म होने वाली है। तो इस वजह से इन्होंने मेरी गाड़ी को, इन्होंने कहा सर जी आपका गाड़ी सीज करते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्टर या अपने व्यापारी से कॉन्टेक्ट कीजिए। मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, मैं तो उन्होंने आगे पीछे जो भी है बात बात की, इन्होंने जो भी है कि इनसे मैंने बात करवाई, इन्होंने 9 लाख के करीब पेनल्टी बनाई जो कानून के इदारे में दिल्ली से या केंद्र से बन के आती है ऑनलाइन। तो इनको जुर्माना लगाया कि भैया अपना जुर्माना भरो और अपना गाड़ी को ले जाओ, रिलीज करवाओ। वो ट्रांसपोर्टर और उस कंपनी पर था ना जिसका माल था। हाँ जी, वो ट्रांसपोर्टर और कंपनी जिसका माल था, या दोनों में से कोई भी भर सके। हाँ, कोई भी, दोनों जिम्मेदारी उनकी है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें उनकी जिम्मेदारी है, हमारा कोई नहीं है। या तो मैं बिल ना लेकर आता फिर मेरा, मैं दोषी था, मैंने नवा ई वे बिल बनवाया था। जी जी जी। तो ये जिम्मेवारी उनकी बनती है कि गाड़ी को आप फोन करके पता करो कि कहाँ पर है या कैसे है, तो या 8 घंटे पहले बनाना है, ये उनको उनको पता होता है। जी 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 जी। उसके बाद मैंने, चलो गाड़ी मैंने साइड में लगाया, मैंने 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4-5 दिन के बाद वो मेरे पास आया। आने के बाद मेरे से, इनसे बात करके और मेरे से इनसे जो आईडी वगैरह जीएसटी की लेते हैं ये लेकर वो चला गया। और उसके बाद इन्होंने मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया। जो ट्रांसपोर्ट वाले थे। हाँ जी, जो अच्छा। मिडिलटन लॉजिक सॉल्यूशन है जिसका नाम है मिडिलटन लॉजिक सॉल्यूशन है, ये ट्रांसपोर्ट का नाम है जो कॉन्ट्रैक्टर है हल्दिया प्लास्टिक में। अच्छा, ये कहाँ पे है। ये सर कोलकाता बेस्ड है, इनकी ब्रांच हल्दिया में भी है और गुवाहाटी में भी है। ठीक है, आप गुवाहाटी जा रहे थे ना, आप तो असम के गुवाहाटी से भर के आ रहा था मैं अगरतला की तरफ त्रिपुरा में। अच्छा अच्छा, वहाँ से भर के आप त्रिपुरा जा रहे थे। जी 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 जी। ठीक है ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने मेरे को, मैंने इनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इन्होंने कम से कम इन्होंने मेरे को 10-15 दिन के बाद मैंने इनको कॉल किया, मैं सर तो गाड़ी छुड़वा दो, 15 दिन हो गए हैं, तो आप 9 लाख आपके लिए क्या चीज है, अब अगर आप करोड़ों का काम कर रहे हो ठीक है, सबका नुकसान होता है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरे को, मेरा तो गाड़ी का किस्त टूटने वाला है, आगे मैंने काम करना, आगे मेरे जो भी इंस्टॉलमेंट्स है, मेरा कम से कम नया गाड़ी है 19 मॉडल है, ये 70,000 रुपए इसका कम से कम इंस्टॉलमेंट है पर मंथली। तो उन्होंने बोला इसमें हम क्या करें, अभी हम पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमको प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इन्होंने, चलो मैंने चुप करके बैठ गए। तो ये गुरुजी जी, ये किस किस कितनी कॉल उठाना मेरा बंद कर दिया, ये कितनी तारीख की बात है, ये कितनी तारीख को मसला हुआ था, कुछ 2 अक्टूबर ये गाड़ी सीज किया था। 2 अक्टूबर
9 अक्टूबर ठीक है, 9 अक्टूबर के करीब इन्होंने गाड़ी सीज किया था मेरा। ठीक है, तो इनको मैंने रेगुलरली फोन करना चाहा, करता रहा, फिर इन्होंने मेरा, इन्होंने बोला कि सर छुट्टियां पड़ रही हैं, हम कोई पेमेंट का अरेंजमेंट कर रहे हैं या आगे पीछे से या फैक्ट्री से बात कर रहे हैं कि आप भरो, हमारी उनमें से बातचीत चल रही है जी। तो इस चक्कर में इन्होंने मुझे कम से कम भी 15-20 दिन इन्होंने मेरे लगा दिए, 15-20 दिन लगा दिए। और लगाने के बाद इन्होंने मुझे, मैंने इनको फिर कॉल करने की कोशिश की, सर इन्होंने मेरे से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया। ठीक है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया, हार कर उसके बाद इन्होंने मुझे, इन्होंने मेरे को, मैंने दूसरे जैसे फ्रेंड सर्कल में किसी को बोला कि भैया इनसे कॉन्टेक्ट करो कि, और मेरा जो ब्रोकर है जिसने मेरे को इनके साथ कॉन्टेक्ट करवाया या उसने गाड़ी लोड करवाई, अच्छा, वो किसी केस की वजह से उसको प्रॉब्लम बन गया, वो उसको जेल में हिरासत में लिया किसी केस की वजह से। अच्छा, उनके अपने पर्सनल इश्यूज होंगे, मेरे को इसके बारे में नहीं मालूम। ठीक है, तो वो उनके साथ कॉन्टेक्ट करना छोड़ गया। अच्छा, तो अब वो बिल्कुल उनको कोई मतलब मेरी परवाह नहीं है। मैं इधर 2 महीने से, कम से कम आज 2 महीने के करीब हो गए हैं, इन्होंने मेरा ना फोन मेरा उठाया, ना मेरे से कोई कॉन्टेक्ट रख रहे हैं, कैसे मेरी गाड़ी छिड़वाएंगे। मैंने सेल टैक्स ऑफिसर से भी गुहार लगाई कि मेरी गाड़ी से माल नीचे उतार दिया जाए, मुझे क्यों, मेरी, मैंने बड़ी मुश्किल से, बहुत मुशक्कत से मैंने गाड़ी बनाया है। तो त्रिपुरा जो सेल टैक्स वाले हैं वो अभी क्या कह रहे हैं, वो आपकी गाड़ी, मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही ना कि गाड़ी वाले का, गाड़ी का क्या कसूर है, आपका क्या कसूर है। ठीक है, आपको ईवे बिल का वो मसला बना हुआ है, वो तो जो कंपनी है या जो ट्रांसपोर्ट है जिन्होंने, जिनका ये माल है, उनको पेनल्टी पड़ेगी, लेकिन गाड़ी को थोड़ी ना इस तरह से वो मतलब सीज कर सकते हैं। मैंने यही पूछा कि मेरा क्या कसूर है सर, मेरे को आप अपना माल उतार लीजिए, नीचे उतार लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि मैंने गाड़ी चलेगी तो मेरा इंस्टॉलमेंट भरा जाएगा, तो नहीं तो मेरा फाइनेंसर मेरे को पकड़ लेगा, मेरे घर में फाइनेंसर चक्कर लगा रहा है। तो आपकी मेरी ऑलरेडी 2 किस्त टूट चुकी है, दूसरी टूटने वाली है। तो सर ये बोलते हैं कि आजकल जो GST के दायरे में जो कानून नया बनाया गया है उसमें जो गाड़ी माल विद कोई प्रॉब्लम इश्यूज की वजह से पकड़ी जाती है तो वो गाड़ी को भी सीज किया जाता है, और दो मंथ या जैसे भी जितना भी ये समय निर्धारित करते हैं उसके अगर बीच में गाड़ी नहीं छुड़वाई जाती तो उसको माल को और गाड़ी विद ट्रक माल के समेत हम ऑप्शन में डाल देंगे, सेल पे लगा देंगे। अच्छा, तो मतलब इसमें मैं गवर्नमेंट से भी आप हाथ जोड़ के अप्लाई करता हूँ, और मैं विनती करता हूँ कि ऐसे कानून मत बनाए, हम गाड़ी वाले बहुत मुश्किल से आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में गुजरते हैं, अपने घर बार से दूर 3000 किलोमीटर मेरा घर है यहाँ से, तो मैं इधर स्टे आकर यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी आप गुरुजी जी, अभी आप हो कहाँ पर, तो अभी आप कहाँ, गाड़ी तो आपकी सेल टैक्स वालों के पास है, तो अभी आप खुद कहाँ रह रहे हो। मैं सर गाड़ी में ही हूँ। अच्छा, मेरे को मना नहीं कर रहे हैं गाड़ी में रहने के लिए, लेकिन फिलहाल 2 मंथ से मैं गाड़ी के अंदर ही हूँ। तो यहाँ पर अभी 20-25 मतलब महीने के भर से मेरे पास ना कोई पैसा, यानी जो भी मुझे चाहिए वो नहीं, मेरे को बहुत परेशानी बन रही है, मैं कभी इधर से मांग रहा हूँ कभी उधर से। ये तो हमने ये तो हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि आपने वीडियो भी बनाया, उसमें आपने गुहार भी लगाई, लेकिन अब हमें लगता है कि आपको लगता है कि जो PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, अब आखिरी उम्मीद आपकी वही है। बिल्कुल सर, मैंने हर जगह उम्मीद करी है, मेरे जी जी जो भाई बंधु हैं, जो जितना भी है, वो ट्रांसपोर्टर किसी की नहीं सुन रहा, उन्होंने बहुत कोशिश, किसी का फोन पिक नहीं कर रहा जी। तो जो हमारे, मैं इसीलिए मैं हार कर आपसे, आपके माध्यम से, मैं जो PMO अपना सर है, हमारे डॉक्टर साहब है, मैंने उनसे, जितेंद्र जी से मैंने गुहार लगाने चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई हल आप निकाल सकते हो, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि असम में तो गुवाहाटी, क्योंकि ये मसला गुवाहाटी से हल होगा, और गुवाहाटी में जो कंपनी है, जो ब्रांच उसकी चल रही है हल्दी, वहीं पे जो आप बता रहे हैं, तो वही वहाँ पे तो BJP की सरकार है, तो मुझे लगता है कि इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, हमें लगता है कि इसमें उनको इंटरवीन करना चाहिए, और इस तरह से जम्मू से एक हमारे, अगर कोई ट्रक के ड्राइवर जो ऑनर भी हैं, खुद ही ट्रक चलाते हैं, तो वो वहाँ पर अगर फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि नेताओं को आगे आना चाहिए इस मसले में। बिल्कुल सर, हम भी एक आपका पार्ट हैं,
अगर ट्रक चलेंगे तो आपका जो आयात निर्यात ट्रकों के द्वारा ही होता है ना, तो ड्राइवर से भी हमको भी उसी कैटेगरी में लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। हम भी बच्चे छोड़कर इतनी दूर में बैठे हैं, अगर आर्मी का जवान देश के लिए सेवा कर रहा है सर, ट्रक ड्राइवर भी आपके देश के लिए सेवा भी कर रहा है, जी, जी, तो जी, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी भी चीज से दूर कराया जाए। हमारे से बहुत कई बार यहाँ बहुत नाजायज हमारे से व्यवहार होता है, हम उस चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो नेता लीडर्स हैं, रिक्वेस्ट है हमारे लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो हमारे, हम इतनी दूर से अगर यहाँ काम करते हैं, हमारे लिए भी कोई हम सिक्योरिटी करीजिए, हम भी अपने बच्चों को छोड़कर इधर आए हैं। जी जी गुरुजी जी, गुरुजी जी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात हुई आपकी कोई? सर मेरी बहुत जगह एक दो जगह से बात हो रहा है, मैंने उनसे भी गुहार लगाई है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो भी मेरे रिलेटिव हैं, मैं जो भी मेरे लिए मेरी गुहार सुन रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया कर रहा हूँ जो आगे इनको कॉन्टेक्ट लगा रहे हैं। पर ट्रांसपोर्टर जो मिडिलटन लॉजिक सॉल्यूशन है, ये किसी से कॉन्टेक्ट कर नहीं रहा, फोन काट रहा है, फोन सुन नहीं रहा, ये अपनी मर्जी कर रहा है, लेकिन वो इस टाइम कोई उन्होंने भी यही कॉन्टेक्ट किया भैया अपना आप पेनल्टी भरो तो गाड़ी छुड़वाओ, ये आपका हर ट्रांसपोर्टर को ये चीज का, यहाँ पर और भी गाड़ियां इन्होंने सीज की थी, वो सब ट्रांसपोर्टर अपने ड्राइवर से कॉन्टेक्ट करते हैं, उनकी पेनल्टी भर के उनको लेके जाते हैं, लेकिन उस आदमी ने 2 महीने से मेरी बिल्कुल भी कोई परेशानी, मेरे से कोई बात नहीं पूछी, मैं इतना परेशान हूँ 2 महीने से अपने बच्चों से दूर, मेरे जो भी मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ कि मेरी ये बात आगे तक पहुंचाए और मेरी ठीक है कोई हेल्प ली जाए। चलिए हमारी कोशिश यही है, हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपका मसला जो है हल हो, और जो गुवाहाटी में जो ट्रांसपोर्टर है उसको कम से कम असम की जो सरकार है, कम से कम वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं जो इन चीज़ों में डील करते हैं, कम से कम पुलिस जो है वहाँ की, वो थोड़ा खुद इसमें जो है एक्शन करे, कम से कम उस ट्रांसपोर्टर से तो ये पूछा जाए कि इस ट्रक ड्राइवर का क्या कसूर है, इस ट्रक मालिक का क्या कसूर है। जी सर, जी सर, मैं यही हाथ जोड़ के आप सबसे जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बेनती करता हूँ कि मुझे मेरी जो गुहार है, आप जो भी सरकारी में अपना चाहे कोई लीडर्स है, चाहे कोई महकमे में पुलिस में है, या मेरा जो ऑफिसर्स है मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे ट्रांसपोर्टर से कॉन्टेक्ट के उसे खींच कर रहा है, उसको पेनल्टी भरने के लिए बोल रहे हैं मेरी जान यहाँ से छुड़वाए, मेरा इस हिसाब से तो मेरा रोजगार भी मेरे हाथ से चला जाएगा। गुरुजी जी एक बार फिर से ना कंपनी का नाम बता दीजिए, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम बता दीजिए एक बार फिर से। मैं बता देता हूँ, ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है मिडिलटन लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, जो जो कि पार्क स्ट्रीट में कोलकाता में इसका ऑफिस हेड ऑफिस है, हल्दिया में इनकी ब्रांच है, जो हल्दिया प्लास्टिक से जी ये काम करती है, और दूसरा इनका मैं जहाँ से भर के आया हूँ असम गुवाहाटी के अंदर जी क्रिश्चियन बस्ती सिटी में इनका ऑफिस है गुवाहाटी में, ये उन उसमें एक दो तीन एक मुझको उनके मालिक हैं नितिन, आगे तो मेरे को मालूम नहीं है कि उनका क्या लगता है सरनेम, मतलब गुवाहाटी में, गुवाहाटी में जो आपने एड्रेस बताया वो एक बार फिर से बता दीजिए। गुवाहाटी में जो सर, जी जी जी, जहाँ से आपने लोड करा है, लोड करा है सर, वो इनका ऑफिस है क्रिश्चियन बस्ती गुवाहाटी सिटी में। ठीक है, क्रिश्चियन बस्ती गुवाहाटी सिटी में इनका ऑफिस है, क्योंकि कई कई लोग हमें कॉल कर रहे हैं, वो हमें पूछ रहे हैं कि कौन सी कंपनी है, कहाँ पे है, तो हम भी, हमें भी इस तरह से मतलब पूरी जानकारी इतनी नहीं थी कि ये गुवाहाटी में क्रिश्चियन बस्ती है और पूरा ये इसका नाम है, और कई लोगों को यहाँ से पता भी चलेगा, और मुझे लगता है कि नेताओं को कम से कम जो सिर्फ बातें कर रहे हैं उनको भी कम से कम समझ आएगा, और इस तरह से अगर कोई जम्मू से व्यक्ति अगर कोई फंस गया किसी मुसीबत में बाहर बाहरी स्टेट में, तो उसके लिए मदद करेंगे हम, हमारी कोशिश है, और आप हौसला रखिए, हम लगे हुए हैं, कम से कम आपका जो ये मसला है, कम से कम कंपनी वाला तो चलिए बाद में आप ट्रांसपोर्ट वाले कर लेंगे उसको, जो आपका पैसा नहीं मिल रहा है या आपकी जो दिहाड़ी जा रही है वो तो आप बाद में करें, कम से कम यहाँ से तो छूटे आप। जी सर, जी सर, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरजीत जी इस बातचीत के लिए। तो ये गुरजीत सिंह हैं, और मैं आपको बताऊं कि हमने ही इनका वीडियो चलाया था, हमारे पास भी किसी ने ये वीडियो भेजा था, और उस वीडियो के बाद हमें भी कई तरह के कॉल जो हैं वो आए थे, और ये जो हैं इस वक्त त्रिपुरा बॉर्डर पर जो है सेलटेक्स वालों ने इनको पकड़ा हुआ है, और गुवाहाटी से जो है ये गाड़ी लोड करके वहाँ से प्लास्टिक दाना होता है वो भर के जा रहे थे, और ईवे बिल जो है वो 8 घंटे पहले ख़त्म हो गया था, उस कारण
इनको जो है त्रिपुरा में जो सेल टैक्स वाले हैं उन्होंने पकड़ लिया और इनको जो है कहा कि आपकी गाड़ी सीज होगी, माल जो है वो सीज होगा क्योंकि आपको जो पेनल्टी है वो भरनी होगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि जो कंपनी है गुवाहाटी बेस्ड, जो कलकत्ता बेस्ड जो कंपनी है जो गुवाहाटी से भी अपना काम कर रही है, ब्रांच चला रही है, तो वो इनका फ़ोन नहीं उठा रही है। मतलब आप हिसाब लगाइए कि एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी क्या होती है कि 2 महीने से वो इंसान गुहार लगा रहा है, कोई भी यहाँ पर उसकी सुनने को राज़ी नहीं है। कौन सा कोई उसने कत्ल कर दिया है कि उसको इस तरह से सज़ा दी जा रही है? और जो कंपनी है उस पर क्या किसी बड़े अधिकारी की या त्रिपुरा में जो सेल टैक्स वाले हैं क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो गुवाहाटी जो वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से उनके साथ संपर्क साझा जो है साधने की कोशिश करें, उनके साथ बात करें, कम से कम उनसे वो उनकी डिटेल लें? क्या उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है? क्या आप इस तरह से जिस इंसान ने, शख्स ने मेहनत से एक जो बड़ा भारी भरकम लोन जो है, ये ट्रक लेना ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए हर महीने इनको किस्त देनी पड़ती है जो लोन लिया होता है, लेकिन उस शख्स की आप इस वक्त स्थिति आप समझ सकते हैं किन परिस्थितियों में वो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ। पिछले 2 दिन से मैं इनसे कनेक्टेड हूँ, मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ और मैं आपको ये बताऊँ कि अब इन्होंने हमें कहा कि अब मेरी जो आखिरी उम्मीद है वो है PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह से इसलिए हमने कैप्शन में लिखा है कि वो गुहार लगा रहे हैं। अब हम इनसे इसीलिए हमने फ़ोनों पर भी जो है बात करी, असम में BJP की सरकार है तो ऐसे में कुछ ना कुछ इस तरह से हो कि कम से कम उस कंपनी वाले को वहाँ से पकड़ा जाए, उसको पूछा जाए, उससे जो है सवाल किए जाए कि आखिर आपने क्यों इस शख्स को इस तरह से, इस ट्रक ड्राइवर को जो है, मालिक को जो है इस तरह से आपने फंसा के रख दिया है, वो ना आगे जाने को रहा ना वो पीछे जाने को रहा, वो आखिर करे क्या? कल को जिस तरह से उसको ये कहा जा रहा है कि आपका ट्रक जो है उसकी भी ऑक्शन हो जाएगी जो माल के समेत, तो ये शख्स कहाँ जाएगा, इसके लिए कौन भरपाई करेगा? कम से कम इस शख्स को फ्री किया जाए, ये बाद में जो है लड़ाई लड़नी है वो कंपनी से बाद में लड़ेगा, लेकिन कम से कम इसको सोचा जाए। अब आखिरी उम्मीद इनकी PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हैं और वो क्या अब इसमें इंटरवीन करते हैं या नहीं करते हैं ये तो अब कुछ समय बाद पता चलेगा जब वो खबर देखेंगे तो। लेकिन हमारा भी ये कहना है कि कम से कम इस ट्रक ड्राइवर की मदद की जाए और ये जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस बनी होती हैं या आखिर किस लिए, क्या अपने फायदे के लिए ही आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? अपना पर्सनल बेनिफिट जहां होगा वहां प्रोटेस्ट करेंगे? क्या आप इस तरह के अपने जो ट्रक ऑनर हैं, ड्राइवर हैं, उनकी मदद नहीं करेंगे? आखिर ये शख्स आपको भी तो अप्रोच कर रहा है, आप क्यों नहीं इस पर कोई इंटरवीन कर पा रहे हैं? और जो नेता हैं सिर्फ उनको हिंदू मुसलमान वाले उस पर ही चलना है, उसी पर आपने बोलना है क्या? ऐसे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऐसे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो मुसीबत में फंसे हुए हैं यहाँ से इतनी दूर बाहरी स्टेट में जहाँ कोई न जान न पहचान, उनके लिए आप कब बोलेंगे? खाने के लिए मोहताज है वो ट्रक ड्राइवर, मतलब 2 महीने निकालना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, सोना कहाँ 2 महीने से, मतलब आप हिसाब लगा करीब 2 महीने होने वाले हैं, अब 9 अक्टूबर को ये मामला हुआ था तो अभी नवम्बर जो है अब ख़त्म होने पर है, तो आप हिसाब लगाएं कि किस तरह से हमारे ये ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी होती है और इस शख्स के लिए किस तरह से इसको फंसा दिया गया है और ना कोई इसकी मदद कर रहा है। आखिरी उम्मीद इनकी अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह से है तो हम भी चाहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कम से कम इंटरवीन करें। वो तो इस वक्त PMO है, वो किसी भी राज्य में जो है उनके कॉल भी हो जाए तो कम से कम इनका मसला जो है वो हल हो सकता है। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।